दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं जियो यूजर के बारे में कि अगर आप जियो यूजर हैं और जियो का सिम कार्ड अगर आप यूज कर रहे हैं और आपकी बेटी जियो की सिम कार्ड यूज कर रही है या आपकी पत्नी जियो की सिम कार्ड यूज कर रही है तो आप जो है पूरी की पूरी कॉल डिटेल जो है एक महीने की कॉल डिटेल जो है आप जो है अपने ही फ़ोन पर निकाल सकते हैं कि आपकी पत्नी कब कहाँ जा रही है, आपकी पत्नी कब किससे बात कर रही है, आपकी बेटी जो है किससे बात कर रही है, कब कहाँ जा रही है। आप उनके पूरे महीने का जो है कॉल डिटेल जो है आप अपने मोबाइल पर ही निकाल सकते हैं। उसके लिए होगा ये कि मान के चलिए आपके मोबाइल में एक जो है एप्लीकेशन होगा, ठीक है, माई जियो ऐप। तो माई जियो ऐप को आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा पहले, उसके बाद जिस नंबर का भी आपको डिटेल्स देखना है तो उस नंबर से आपको माई जियो ऐप में लॉगिन करना होगा, ठीक है। मान के चलिए माई जियो ऐप में अगर आपका नंबर पहले से ही लॉगिन है, आप दूसरे नंबर को एक्टिवेट इसमें करेंगे तो ठीक है उस मोबाइल पर जो है एक ओटीपी चले जाएगा, वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। तो वन टाइम पासवर्ड आप अपने परिवार के मोबाइल से ले सकते हैं और अपने जियो में जो है उसमें जो है पासवर्ड डाल करके अपने माई जियो ऐप में जो है आप उस नंबर को लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद उसकी कॉल डिटेल जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो है जियो का कॉल डिटेल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो में कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मैंने जो यहाँ पे माई जियो एप्लीकेशन इसे ओपन कर लिया अपने मोबाइल पर, उसके बाद यहाँ पे हम जो है लॉगिन कर रहे हैं। हमारा नंबर पहले से यहाँ पे जो है इसमें जो है लॉगिन किया हुआ है इस जियो एप्लीकेशन में। और मान के चलिए अगर आप किसी दूसरे नंबर को अगर आप यहाँ पे लॉगिन करना चाहें तो आप इसमें दूसरे नंबर को भी यहाँ पे डाल सकते हैं और उस मोबाइल पर जिस नंबर को आप यहाँ पे डालेंगे उस मोबाइल पर जो है एक वन टाइम पासवर्ड चले जाएगा और वो पासवर्ड जब आप इसमें डालेंगे, ठीक है, तो उसके बाद वो नंबर जो यहाँ पे इस जियो एप्लीकेशन में एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद उस नंबर की आप डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने इस नंबर से लॉगिन किया तो ये नंबर हमारा शो कर रहा है। अगर मान के चलिए हमें दूसरा नंबर अगर यहाँ पे अगर डालना है दूसरा नंबर भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा नंबर आप कैसे डालेंगे, दूसरा नंबर डालने के लिए आपको यहाँ पे लिंक न्यू अकाउंट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एक बार, और जैसे आप यहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे उसके बाद जो यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज में आपको जो यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा कौन से नंबर को आप यहाँ पे डालना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो भी नंबर डालना है आप यहाँ पे सिम पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो सिम का आइकन बना हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। वो मोबाइल नंबर जब आप यहाँ पे डालेंगे तो उस मोबाइल पर एक वन टाइम पासवर्ड चले जाएगा, वो पासवर्ड जब आप डालेंगे तो वो नंबर इस जियो एप्लीकेशन में एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप दूसरे नंबर को भी आप इस जियो एप्लीकेशन में एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कॉल डिटेल के बारे में कि कॉल डिटेल कैसे हमें देखना है, कैसे कॉल डिटेल निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों कॉल डिटेल निकालने के लिए आपको यहाँ ऊपर में आप देख रहे हैं तीन लाइनिंग, यहाँ पे आपको तीन लाइनिंग पर आपको क्लिक करना है एक बार, और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ कई सारे ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे माई स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप उसके बाद यहाँ पे एक अलग से पेज ओपन हो जाएगा, उस पेज के अंदर में आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे व्यू जो यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आपको व्यू पे आपको क्लिक कर देना है एक बार। जैसे आप यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको स्टेटमेंट जो देखने के लिए आपको जो है एक पीडीएफ फाइल है उसे आपको डाउनलोड करना होगा। इसलिए आपको यहाँ पे ऊपर में आप यहाँ पे देख रहे हैं एक तीर का निशान है, यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है, और जैसे आप यहाँ पर एक बार क्लिक कर देंगे उसके बाद मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक जो है विंडो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देखते हैं इस विंडो के अंदर में आप यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक है यहाँ पे डाउनलोड स्टेटमेंट, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, दूसरा है ईमेल स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमें डाउनलोड स्टेटमेंट यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारा जो भी कॉल डिटेल है वो डाउनलोड हो जाएगा हमारे मोबाइल में, और हमारे मोबाइल के जो फाइल मैनेजर है डाउनलोड का जो फोल्डर है उस फोल्डर में जाके ये सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहें तो आप मोबाइल पे भी इस कॉल डिटेल को देख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इस कॉल डिटेल को आप अपने कंप्यूटर में भी देख सकते हैं। इस पीडीएफ फाइल को आप अपने फाइल मैनेजर से जो है वहाँ पे डाउनलोड फोल्डर से आप उस पीडीएफ फाइल को जो है अपने कंप्यूटर में ला सकते हैं और उसके बाद अपने कंप्यूटर में भी देख सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको दिखा दूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल में कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है कॉल डिटेल, ठीक है, किस तारीख को किस नंबर पर बात हुआ है और कितने टाइम तक बात हुआ है ये सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, चलिए हम आपको कंप्यूटर में दिखाना चाहेंगे। तो दोस्तों इस कॉल डिटेल को कंप्यूटर में देखने के लिए आपको इस सब को जो है मिनिमाइज कर सकते हैं या इसे आप क्लोज भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने डायरेक्टली जो है अपने फाइल मैनेजर में आइए, और फाइल मैनेजर में आने के बाद जो है आप जो इंटरनल मेमोरी में आइए, इंटरनल मेमोरी में आने के बाद जो है आप डाउनलोड फोल्डर पर आपको क्लिक करना है, और जैसे आप डाउनलोड फोल्डर पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे जो है आपका जो स्टेटमेंट है वो जो पीडीएफ फाइल है वो आपके कंप्यूटर में यहाँ पे सॉरी आपके मोबाइल में जो है फोल्डर में है डाउनलोड में, ठीक है। उसे आप लेने के लिए अगर आपको लेना चाहें कंप्यूटर में तो आप कंप्यूटर में भी ले सकते हैं, आपको इंटरनल मेमोरी जो है आपको
ओपन करना है। उसके बाद ये जो पीडीएफ फाइल है आप अपने कंप्यूटर में ले सकते हैं, और कंप्यूटर में लेने के बाद इस पीडीएफ फाइल को जो है आप जो है इसे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। डायरेक्टली ओपन करने के बाद इस फाइल के अंदर में जो जितनी भी डिटेल्स है आपके कॉल की वो सारी सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट वाला जो पीडीएफ फाइल था उसे हमने ओपन कर लिया अपने कंप्यूटर में। चलिए सबसे नीचे चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कौन सी तारीख को किस नंबर पे बात हुआ और कितनी सेकंड बात हुआ है, कितनी देर तक बात हुआ है, इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से नंबर पे बात हुआ है। तो दोस्तों आप इस तरह से अपने परिवार का, अपने फैमिली का जो है कॉल डिटेल निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।